Hello everyone, welcome to the audio series of GS Central. ऑडियो सीरीज में हम लोग समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय नेपाल के नागरिकता कानून में हो रहे संशोधन से संबंधित है। इस संशोधन का इंडिया पर क्या असर होगा और इससे भारत और नेपाल के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सभी विषयों की चर्चा आज के हम इस ऑडियो सीरीज में करने वाले हैं। आइए आज का ऑडियो सीरीज स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेपाल के संसदीय पैनल ने हाल ही में देश के नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव देश की संसद में आया है, जिसके अनुसार अब भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल में विवाह के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना होगा। नेपाल के मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की आलोचना की है। इनका कहना है कि इससे मधेश में रहने वालों को परेशानी होगी, क्योंकि सीमा पार शादियां वहां वैध हैं। नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस तरह के प्रावधान भारत के साथ नेपाल के संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जहां से रोजी रोटी व विवाह के संबंध काफी लंबे समय से हैं। मधेशी मूल के नेपाली और भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले लोगों के रहन सहन और संस्कृति में कुछ भी असमानता नहीं है। अंतर केवल यह है कि मधेशी नेपाली नागरिक हैं और नेपाल में रहते हैं। जैसे ही इस कानून में संशोधन की बात समाचार में आई, नेपाल में विरोध और प्रदर्शन आरंभ हो गए। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय विवाहित महिलाओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने के कानून के फैसले को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में संसदीय समिति से बहुमत से पारित करवा दिया है। नेपाल की विपक्षी पार्टियों के तमाम दलील और विरोधों को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने नागरिकता संबंधी विवादास्पद कानून बनाने की प्रक्रिया को आगे कर दिया है। हालांकि इस कानून के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए हैं। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। इस तरह के प्रावधान भारत के साथ नेपाल के संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जहां से रोजी रोटी व विवाह के काफी लंबे समय से संबंध हैं। पिछले 4-5 वर्षों पहले तक भारत और नेपाल के बीच काफी ज्यादा विवाह संबंध हुआ करते थे। हर बार 40-50 बारात नेपाल से भारत और फिर भारत से नेपाल की ओर भी जाते थे, परंतु हाल के वर्षों में नेपाल से आने वाले बारातों की संख्या में आधे से अधिक की कमी देखी गई है। ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से चला आ रहा रोटी बेटी का जो संबंध है, वो अब अपने समाप्ति के दौर में आ गया है। नेपाल की नागरिकता के लिए इस कानून में 7 साल तक इंतजार करने का प्रावधान रखा गया है। अब भारत या किसी भी अन्य देश की बेटी को नेपाल की बहू बनने के बाद भी यहाँ की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना होगा। हालांकि इस 7 साल की अवधि के लिए दूसरे देश की बेटियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों वाले नेपाल का आवासीय पहचान पत्र शादी के वक्त ही मिल जाया करेगा। हालांकि यह कानून अभी देश की संसद में विचाराधीन है। यह फैसला हाल ही में पार्टी सचिवालय, कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय में हुई एक बैठक में लिया गया है। यह कानून भारत संबंधी और भारत सहित सभी विदेशी महिलाओं पर लागू होगा। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके अध्यक्ष अभी केपी शर्मा ओली जी हैं, वहां के प्रधानमंत्री एवं उनके अलावा कई वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि नागरिकता कानून 2006 में संशोधन करना पड़ोसी देश भारत के जैसा कदम उठाना ही है, जहां भारतीय पुरुष से शादी करने वाली किसी भी विदेशी महिला को कानूनी तौर पर नागरिकता अधिकार पाने के लिए 7 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। हाल के दिनों में भारत और नेपाल के संबंधों में जो कटुता आई है, उसका एक पक्ष और उसमें एक कदम आगे ये बात और भी आ रही है। अब वहाँ नागरिकता के कानूनों में संशोधन भी हो रहा है और जानकार इसे
भारत नेपाल संबंधों की कटुता का एक और आयाम के रूप में देख रहे हैं। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया है तो इस ऑडियो सीरीज को लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। आप अगर हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अगर चाहें तो हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। और ऑडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।